Now more details are coming out in this murder mystery. After murder, Aftab set photos on fire. He set ablaze Shraddha's photos after committing the crime. Aftab tried to torch every item in Shraddha's house. My colleague Arvind Oja is now joining me with all these details. Arvind, एक के बाद एक जो कड़ी जुड़ती जा रही है उसमें ये साफ हो रहा है कि ये अब्यूजिव रिलेशनशिप था. एक बार नहीं, कई बार पहले भी 2019 से लेकर 2022 तक ऐसे कई हादसे हुए थे जिसमें आफताब ने श्रद्धा को कई बार बहुत ज्यादा मारा था. तो ये पहली बार नहीं था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन श्रद्धा हर बार पुलिस जब भी आती थी तो मुकर जाती थी, स्टेटमेंट नहीं देती थी. लेकिन ये जो ट्रेट है ये आफताब में कई सालों से दिख रहा था. देखिए 2019 से दोनों रिलेशनशिप में थे और मार होना श्रद्धा के साथ वो भी अब सामने आ चुका है और यहाँ तक कि एक बार मारपीट हुई थी 2020 में, तब भी अस्पताल में एडमिट हुई थी. लेकिन मारपीट का जो सिलसिला है वो मर्डर तक आ जाएगा और मर्डर के बाद टुकड़े कर देगा आफताब, ये तो किसी ने नहीं सोचा था. अब जो इंटरोगेशन में रिवील किया है आफताब ने, देखिए शुरुआत में लग रहा था कि ये सडन प्रोवोकेशन में हुआ मर्डर है, लेकिन अब जो इंट्रोगेशन की टीम के मेंबर है उसने इंडिया टुडे को बताया है कि दरअसल मर्डर के बाद 18 मई को मर्डर करता है और 23 मई को पूरे कमरे की तलाशी आफताब ने ली. उसके बाद तीन पिक्चर्स जिसमें श्रद्धा की दो पिक्चर्स अकेले की थी और एक पिक्चर में आफताब और श्रद्धा थे, वो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की पिक्चर्स थी. उन तीनों तस्वीरों को उसी कमरे में आग हवाले कर दिया था. तो पूरे कमरे की तलाशी ली थी, कुछ कपड़े भी जो श्रद्धा के थे वो भी आग के हवाले किए थे. ये साफ दर्शाता है कि जो आफताब है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक लंबे वक्त से श्रद्धा के लिए नफरत वो बढ़ती चली जा रही थी. वो पिक्चर जहां पर आफताब ने जलाया है वो पिक्चर भी क्राइम सीन का जो दिल्ली पुलिस है उसने क्लिक किया है, वो तस्वीर अब एविडेंस के तौर पर दिल्ली पुलिस के काम आएंगे. लेकिन इससे ये पता चलता है कि जो आफताब है उसके अंदर कहीं ना कहीं नफरत बढ़ती जा रही थी. वो नफरत किस वजह से थी ये तो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, लेकिन नफरत बढ़ रही थी और इस वजह से उसने मर्डर किया. यानी ये सडन प्रोवोकेशन में मर्डर बिल्कुल भी नहीं लगता, प्री प्लान मर्डर लगता है. ऐश्वर्या, थैंक यू अरविंद, वो सारी हमें जानकारी देने के लिए.